तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पावर क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पावर को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ मच इज़ द वर्क डन। एक्चुअली हम वर्क नहीं लिखा है मैंने, हाउ मच इज़ वर्क डन इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब किसी समय में आपने कितना काम किया है। कोई एक समय ले लीजिए, ठीक है, उस समय में आपने कितना काम किया है वही आपकी पावर है। ठीक है, अच्छा, ये जो पहला लाइन है, इट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन का मतलब हो गया आपका, जिसको आप W से डिनोट करते हो, ठीक है। पर यूनिट टाइम का मतलब हो गया T, मतलब किसी काम को आपने कितने समय में किया है। अगर जहाँ भी आपका पर लग जाए, मतलब डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे डिवाइड क्या किया है आपने, टाइम से, ठीक है, मतलब इस वर्क को डिवाइड किया है टाइम से, मतलब वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, अब जितना कम टाइम रहेगा उतना वर्क ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना कम वर्क होगा। ठीक है, जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा, मतलब के बोलते नहीं है, कम समय में आपने ज़्यादा काम कर लिया, मतलब समय कम होगा तभी आप ज़्यादा काम कर पाएंगे, और अगर समय ज़्यादा होगा मतलब आपने कम काम किया है। ठीक है, इतना आप समझिए। और इसी चीज़ को इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाउ मच वर्क डन, मतलब कितना काम किया। हाउ मच मतलब कितना काम किया है, कितने समय में। ठीक है, एक काम को आपने कितना किया है कितने समय में, उसको भी आप कह सकते हो कि पावर है ये। अच्छा, ठीक है, और फॉर्मूले से भी आप डिनोट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिख सकते हो, इज़ दैट क्लियर। पावर, पावर को लिख सकते हो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर को आप पी से डिनोट करते हो, वर्क को W से, और टाइम को T से डिनोट करते हो। ठीक है, जो ऐसा यूनिट होता है पावर का, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, देखो, जो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है W का। ठीक है, क्या होता है W का फॉर्मूला, मतलब वर्क डन का, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसका यहाँ पे इसका आपका जूल होता है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और यहाँ पे वर्क ही है ना। वर्क डन मतलब देखिए, चाहे आप वर्क बोल लीजिए चाहे वर्क डन बोल लीजिए, दोनों चीज़ बोली जाती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वर्क बोल लीजिए चाहे वर्क डन बोल लीजिए, बोथ आर सेम। कभी आप ऐसा मत सोचना क्या वर्क अलग है क्या वर्क डन अलग है। ठीक है, कभी वर्क भी बोल लेते हैं कभी वर्क डन भी बोल लेते हैं, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे W है, तो W का जो वर्क डन का आपने ऐसा यूनिट पढ़ा था वो क्या था, जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल। और जो टाइम है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एस, मतलब सेकेंड। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल अपॉन सेकेंड, जिसको आप वॉट भी बोलते हैं। तो आप जूल सेकेंड को वॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है कि वॉट क्या होता है, तो 1 वॉट को किस तरीके से आप, वॉट तो पता चल गया आपको, ठीक है, जो पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, या फिर जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है, जूल पर यूनिट सेकेंड ऐसे कह लो। अब 1 वॉट क्या है, 1 वॉट क्या है, देखिए, अब एक डिफाइन करने के लिए आता है कि 1 वॉट क्या होता है। तो व्हेन 1 जूल, ये जो जूल है उसको आप जे से डिनोट करते हैं, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, व्हेन 1 जूल या 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल का काम, ठीक है, 1 जूल का काम 1 सेकेंड में हो, तो उस पावर को, द पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वॉट। ठीक है, वो पावर, ठीक है, हमारा 1 वॉट कहलाता है। मतलब 1 वॉट किसको कहोगे, 1 जूल का काम होना चाहिए 1 सेकेंड में, तो ऐसे पावर को आप क्या बोलोगे कि वो 1 वॉट कहलाएगा। कौन सा पावर, ये पावर क्या हो गया, 1 वॉट। तो आप बोल सकते हो कि 1 वॉट पावर इज सेड टू बी 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। ठीक है,
वन पावर, क्या लिखा है मैंने, वन पावर, वन वॉट पावर, सॉरी, ठीक है यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो वन वॉट पावर इज सेट टू बी वन जूल ऑफ वर्क डन इन वन सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप वॉट को डिफाइन कर सकते हो। तो आई होप, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वन वॉट क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ ये देख लेते हैं। देखिए वन किलो वॉट, वन किलो वॉट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। वन किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये याद रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। वन किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट। और वन एच पी, एच पी मतलब हो गया आपका हॉर्स पावर, ठीक है। वन हॉर्स पावर होता है इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। और एक और होता है वन किलो वॉट आर, ठीक है। ये आवर भी जुड़ा हुआ, एच भी जुड़ा हुआ है, हम क्या था सिर्फ किलो वॉट, यहाँ पे एक एच जुड़ गया मतलब आर। ये इससे इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि देखिए वन, देखिए यहाँ वैसे लिख रखा है, दोबारा समझा देता हूँ। वन किलो वॉट आवर, ठीक है, वन किलो वॉट सिर्फ इतना, वन किलो वॉट कितना हो गया आपका 1000 वॉट, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये एच मतलब आर, तो वन आर कितना होता है आपका, वन आर को आप सेकंड में चेंज करोगे तो कितना होगा 60 मल्टीप्लाई 60, राइट, सेकंड में तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड, है ना। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने यहाँ पे, सॉरी प्लस लिखा है यहाँ पे, तो मैं मल्टीप्लाई करना था, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 30 है और यहाँ पे इस, यहाँ पे इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, राइट, तो यहाँ पे प्लस क्यू, उल्टा उल्टा सीधा लिख रहा हूँ ना, ठीक है। तो 3600 को आप 3000 और 600 लिख सकते हो, तो 3000 मतलब 30 है इसमें, ठीक है। यहाँ से 30 आ गया और यहाँ से 30 आ गया, 30 हो गया, ठीक है। 36, ये 36 यहाँ लिख दिया, ठीक है, और 30 यहाँ से लिख दिया 10 पावर 6 वॉट सेकेंड। ये वॉट सेकेंड कहाँ से आया, देखिए ये वॉट और ये सेकेंड, वॉट सेकेंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 1 किलो वॉट, 1 हॉर्स पावर और 1 किलो वॉट आर, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपकी जो बिजली बिल आपका चलता है ना, मीटर, मीटर जो लगता है घरों में, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।